अब एक क्वेश्चन नंबर 19 प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा आपको सवाल करना है, लेकिन प्राइम मैटर हर जगह काम नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर वहीं काम आता है जहाँ डी का वैल्यू 0, 1, 4, 9, 16, 25, 49 ऐसा हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो आपको ये डी भी देखना है, अगर डी अगर ऐसा आ रहा है या टुकड़े नहीं हो रहे हैं आपसे तो डी निकाल के देख लो, ऐसा आ रहा टुकड़े होंगे वरना नहीं होंगे। तो आपको मान लो इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम। इसने लिखा हुआ एक्स का वैल्यू 0 और 2 नहीं आना चाहिए। अब ये दोनों लेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई यहाँ ले लेंगे, एक्स भी लेंगे और साथ में लेंगे एक्स माइनस टू भी लेंगे, एक्स भी आएगा और एक्स माइनस टू भी आएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई लेते हैं तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये वाला एक्स माइनस टू, फिर ये वाला एक्स इजिकल टू 3। ये प्लस का और माइनस का हो गया आपके कैंसिल, ऊपर बचा है माइनस का 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2x इजिकल टू 3। कुछ नहीं डिवाइड 1 मान लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये करेंगे 3x स्क्वायर 3 × 2 = 6x। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, इसको अंदर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, अंदर लेके आएंगे हो जाएगा प्लस का 2 = 0। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने 6 आता है, ऐड करने 6, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, डी फाइंड करके देखेंगे कि ए कितना है आपके 3। ऐसे पूछा तो प्राइम फैक्टर है लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया है जो प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, इसलिए आपको डी फाइंड करना पहले देखना पड़ेगा। माइनस 6 और सी दे रखा है 2। डी का फॉर्मूला है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है लेकिन टुकड़े ऐसे दे दिए हैं, क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि ये प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन के ऊपर फिर भी नहीं हो पाएगा। तो हमें बी कितना दे रहेगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 × ये दोनों 3 और 2 लिखना है, 3 × 2 ये होता है 36 और ये होता है आपके 24, 12 × 24 पीछे बच गया 12। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए इसे टुकड़े नहीं हो सकते, तो हमें इसे अदर मेथड से करना पड़ेगा और वो है आपके श्रीधराचार्य ले लो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप ट्राई कर लेना, प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं क्योंकि d का वैल्यू ऐसा आ रहा है 12, इसलिए। अब x का x, माइनस का माइनस, b का वैल्यू दे रखा है आपके, ये रहा b का वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस, d का वैल्यू दे रखा है 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू दे रखा है आपके 3। x का x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसका मतलब होता है 4 × 3 = 12, 4 का होता है 2 और 3 ऐसे रहेगा अपॉन 2 × 3 = कितना होता है आपके 6 होता है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है तो 2 आ गया कॉमन, इसमें 2 का डिवाइड इसमें देंगे जाएगा 3 टाइम, फिर है प्लस माइनस, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा √3 अपॉन 6, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 3 ± √3 / 3। इसको चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, 1 बार प्लस में और 1 बार माइनस में, वरना यही आंसर आपके राइट है। सेकंड लेंगे अब, इसमें उसी पहले की तरह ही आपको लेना है एलसीएम, एक्स माइनस 1 भी आएगा और एक्स प्लस 5 भी आएगा, दोनों नंबर आ जाएंगे। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं तो लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ये कैंसिल हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा एक्स प्लस 5। अब यहाँ दे रखा है माइनस तो बनाना पड़ेगा ब्रैकेट्स, क्योंकि नंबर दो दो वैल्यू है, एक होता तो बिना ब्रैकेट काम चल जाता जैसे हमने पहले चलाया था, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। अब यहाँ साइन माइनस का है तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये तो है प्लस का 5 और ये माइनस का 1, 5 माइनस 1 होता है 4x, ज़्यादा प्लस का है, 5 माइनस 1 होता है 4 और 5 × 5 प्लस माइनस माइनस इक्वल 6 अपॉन 7।
अब देखो ये x प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। और 5 माइनस 1 होता है आपके 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 6 अपॉन 7। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, लेकिन यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी है, तो इधर से भी कट जाएगा इधर से भी, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है, जो इधर से काट रहे हैं वो उधर से भी काट सकते हैं सेम हो तो। जैसे इधर भी ऊपर 6 है, इधर भी ऊपर 6 है, तो हम चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो भी दोनों को, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इनको भी करना पड़ता, तो 6 दोनों तरफ आ रहा है, 6 दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7, इसको अंदर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, अंदर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये होता है माइनस का 12 इक्वल 0। टुकड़े हो रहे हैं तो कर दो, नहीं होंगे तो फिर हम उस डी से कर लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर आता है 4, तो वो है आपके 62 जा हो रहे हैं टुकड़े। अगर इसका डी फाइंड करेंगे ना तो 1 आएगा, 4, 9 या इन्हीं में से कोई एक आएगा, करके देख लेना ट्राई आप। अब यहाँ पर आपके माइनस है तो एक आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का, यहाँ प्लस मतलब बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल 0, दोनों में कॉमन आ रहा है x, पीछे बच गया x प्लस 6, यहाँ कॉमन आ रहा है माइनस 2 x का x, माइनस माइनस प्लस डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम इक्वल 0, x प्लस 6 क्या आएगा आपके कॉमन, पीछे बच गया है आपके x माइनस 2। अब 2 पार्ट कर देंगे, पहला ये वाला प्लस का है तो माइनस में, अब ये वाला माइनस का है तो प्लस में, ऐसे हम अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देर का आपके इसमें x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो पहले लेंगे एलसीएम, x आएगा, अब यहाँ कुछ नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x, एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1 इक्वल 3, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3x, पहले स्क्वायर आता है फिर x आता है फिर नंबर आता है, इसके इसको अंदर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0, ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पर 1 और माइनस करने पर 3, ऐसा कोई नंबर ही नहीं। आप चाहो तो डी फाइंड करके देख लो, a का वैल्यू दे रखा है आपके 1, b का वैल्यू दे रखा है माइनस 3 और c का वैल्यू दे रखा है माइनस 1, डी फाइंड करना है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी दे रखा है माइनस 3 का होल स्क्वायर, टुकड़े हो रहे तो करके देख लो, नहीं हो रहे तो फिर डी से फाइंड करके देखो, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1, ये हो रहा 3 9 और ये हो रहा 4 4 5, और 5 का हम स्क्वायर निकाल नहीं सकते, इसलिए ये आपको टुकड़े भी नहीं होते, टुकड़े करते तो भी, इसलिए हम इसे फॉर्मूला मेथड से करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस का माइनस, बी का वैल्यू दे रखा है आपके माइनस 3 प्लस माइनस, और यहाँ दे रखा है 5 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, इसी को लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आगे सवाल होगा नहीं, ऐसे ही कर दो। यहाँ देखो ये माइनस का 1 तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा आपके 13, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको, 9 और 4 दोनों प्लस हो जाएंगे, 13 हो जाएगा, 13 लिखना है, सॉरी। एंड ये 4 दे रखा है, इसमें ऐसे करना है सेम, आपको लेना है एलसीएम, x प्लस 4 भी आएगा और x माइनस 7 भी आएगा। अब जब दोनों आते हैं यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा आपके x माइनस 7 और ये आएगा आपके x प्लस 4, यहाँ नंबर दो दो है, डबल डबल है, यहाँ क्या लिखेंगे हम माइनस बना देंगे, 11 अपॉन 30, करो सॉल्व, तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा कि दोनों का साइन चेंज, माइनस का ही x और माइनस का ही 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, x इंटू x, एक्स स्क्वायर
सेवन माइनस फोर थ्री, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा माइनस फाइव, फोर सेवन जा 28 और 11 बाई 30। अब यहाँ क्या होगा कि x प्लस का और x माइनस का कैंसिल, यहाँ बचा है माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 अपॉन 11 बाई 30। दोनों तरफ 11 आ गया है तो यहाँ से भी 11 वन टाइम जाता है और 11 में 11 का डिवाइड जाता है वन टाइम, डिवाइड करना है आपको। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का है ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। इसको अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और ये अंदर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा 30। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 30 माइनस 28 ज़्यादा कौन है, प्लस का ज़्यादा है 2। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पर 2 ऐड करने पर 3, तो ऐड 2 हो जाए 2 आ रहा है आराम से इजीली, तो इससे ही करना है आप, टुकड़े हो जाएंगे आराम से 2x और 1x। यहाँ प्लस तो दोनों साइन सेम, यहाँ माइनस, दोनों किसके आएंगे आपके माइनस के आएंगे, प्लस का 2 इक्वल 0। कॉमन लेंगे यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, x का x प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा 2 टाइम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2 आ गया है आपके कॉमन, पीछे बच गया है आपके x माइनस 1, ये दोनों बच गए, 2 पार्ट कर देंगे, पहला ये वाला माइनस का है तो प्लस का और माइनस का है तो हो जाएगा आपके प्लस का। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।